हेलो क्लास सेवन, जीके वर्ल्ड बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का विकास। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखो क्या है, तो बता रहा है कि इवोल्यूशन जो है, ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, काफ़ी जटिल भी है और स्लो भी है, क्योंकि धीरे धीरे ही क्या है, जीवन आया धरती पर और इसके बाद इसका विकास बहुत स्लो हुआ, धीरे 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 फिर इसका विकास हुआ और बहुत सारे स्टेप्स में हुआ, बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। तो इस चैप्टर में आपको दिया गया है कुछ स्टेटमेंट, इसको पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 चैम्बर्स इन देयर हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से किनके पास, इनमें से किनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब दिल में 3 चैम्बर्स हैं। चैम्बर का मतलब समझ लो कमरे से, पार्ट से। तो फिशेस के पास हैं क्या, मैमल्स के पास हैं क्या, एम्फीबियंस के पास है क्या, किनके पास है? तो आप देखिए ध्यान से समझिए, मैमल्स को लेते हैं तो मैमल्स में हम लोग भी आते हैं और हमारे पास तो 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर। तो मैमल्स तो कट गया भाई, मैमल्स तो ऑप्शन में से हट गया। अब बचा फिशेस। फिशेस की बात कर लें तो इनके पास भी नहीं होता 3 चैम्बर, इनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये भी कट गई, इनको भी ऑप्शन से हटा दिया। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ आपका एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हैं और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स की बात कर लें, एम्फीबियंस और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स के पास जो हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एम्फीबियंस एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर एम्फीबियंस हो जाएगा, क्लियर। सेकंड देखिए, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। म्यूटेशन की थ्योरी किसके द्वारा बताई गई, मेंडल के द्वारा, ह्यूगो डी वेरीज के द्वारा, ओपेरिन के द्वारा। तो हम एक एक का थ्योरी पहले समझेंगे, ठीक है। पहले मेंडल की बात कर लेते हैं। मेंडल, जिनको कि गियर्गो मेंडल भी कहते हैं, इन्होंने क्या बताया, इनकी थ्योरी क्या है? तो इन्होंने बताया, इनकी थ्योरी है द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी चीज़ें, ठीक है, एक पौधे में है, एक पौधे इन द सेंस कि एक न्यू बॉर्न प्लांट में अगर हम बात कर लें, न्यू बॉर्न प्लांट की बात करें, तो उसके अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे उसके फ्लावर का कलर, उसका हाइट, उस सारी चीज़ें, वो कैसे किस पे डिपेंड करती हैं, तो वो सारी बातें जो हैं वो कैसे निर्धारित होंगी कि इसके फ्लावर का कलर क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा और सारी चीज़ें, इसका जो भी चीज़ें हैं, मतलब लीफ का जो है कितना लंबा होगा, कितना छोटा, तो ये किस पे निर्भर करता है, कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, मतलब उस पौधे के माता पिता के द्वारा, मतलब बता दें निर्धारित होता है उसके जन्म के लिए जिन दो पौधों का संगम हुआ है, मतलब वो जो प्लांट है, ठीक है, उनके माता पिता की बात कर ले रहा है, तो उनके माता पिता के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही उसमें चली जाएंगी, वही उसमें चली जाएंगी, बात समझ में आ गया, और वही डिसाइड करेंगी कि उसका हाइट क्या है, उसके फ्लावर का कलर क्या होगा, उसके लीफ का साइज क्या होगा, सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर दी जाएंगी, क्लियर है। ये रहा आपका मेंडल का। अब ह्यूगो डी वेरीज की थ्योरी पे आते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, तो इन्हीं का है म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसका है, ह्यूगो डी वेरीज का है। अब इसमें है क्या, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में है क्या, तो इन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जो है वो एक जर्की प्रोसेस है। क्या है, जर्की मतलब झटके से होने वाला प्रोसेस है, अचानक से होने वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वेयर न्यू वेराइटीज एंड स्पीसीज आर फॉर्म्ड, जहाँ पे नई वेराइटीज, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब इवोल्यूशन होगा तो कोई नया चीज ही बनेगा ना, नई वेराइटी, नई स्पीसीज का ही फॉर्मेशन होगा। अब ये जो नई वेराइटीज़ है, अब इससे भी तो होगा इवोल्यूशन, मतलब ये भी आगे जाके कुछ बदलाव करेगा, कुछ नया बनेगा।
अब इसमें इन्होंने ये कहा कि जैसे एक से दूसरा बना, अब दूसरे से तीसरा भी बनेगा, तीसरे से चौथा भी बनेगा, बनेगा। तो ये जो पहला एकदम शुरू की बात करें, जो पहला है वो क्या है, रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, मेन इसी का काम है, इसी से ना इवोल्यूशन हुआ तब दूसरा मिला, यानी म्यूटेशन हुआ फिर दूसरा बना। अब ये जो दूसरा है, अब दूसरे से तीसरा बनेगा, तो अब ये दूसरा रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब रॉ मटेरियल क्या समझो, जैसे गेहूं हमने लिया, गेहूं हमने लिया, फिर उसको हमने क्या किया, पिसवाया और उसका आटा बनवाया, ठीक, आटा से फिर रोटी बनाया। तो जो रोटी बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, तो वो हम बना रहे हैं गेहूं से। तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा गेहूं, क्योंकि हमें उसी से तो आटा बन रहा है, फिर आटा से रोटी बन रहा है। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो पहला जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो म्यूटेशन होगा तो दूसरा बनेगा। तो जो पहला है वो रॉ मटेरियल का काम करेगा, दिमाग में आया। अब दूसरे से जब तीसरा बनेगा तो दूसरा वाला रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब तीसरे से चौथा बनेगा तो तीसरा वाला। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इन्होंने दिया, हुगो डी वेरीज ने, और ये बताया। थर्ड है ओपरिन। तो ओपरिन ने क्या कहा, तो ओपरिन ने कहा कि लुईस पाश्चर का कथन एकदम सही है, जो उन्होंने कहा वो सच है कि जो जीव यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुई है किसी जीव से, यानी जीव से ही जीव आया है, क्लियर, मतलब और लाइफ से लाइफ आया, मतलब ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म आया है। लेकिन ये पहले ऑर्गेनिज्म पे ये बात लागू नहीं होती जो सबसे पहले आया है, प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, जो पहला जीव जिसकी उत्पत्ति हुई। तो बताया इन्होंने कि प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई है, जब वो पैदा हुआ है, जब वो आया है, तो वो एक निर्जीव पदार्थ से यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो आया है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ओपरिन ने कहा कि सजीव व निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता, सजीव निर्जीव, मतलब इन्होंने कहा कि जो लिविंग और जो नॉन लिविंग है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मूलभूत अंतर नहीं होता। बेसिकली क्या बताया इन्होंने कि जो डिफरेंस है वो नहीं होता, और रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शंस की बात अगर, रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन, अब जटिल संयोजन मतलब देखो कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ ना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हुए, इनके ही संयोजन से मतलब इनको ही मिला के जो है एक जीव का मतलब जीवन का विकास हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तुम सोचो पहली जीव की बात कर किया इन्होंने, पहली, तो ऐसे तो हमको पता है कि जीव यानी कि किसी ऑर्गेन से ही ऑर्गेनिज्म आया है। एवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म है, फिर बाद में धीरे धीरे उसी का विकास होता गया, लेकिन जो पहला इस धरती पे आया होगा, प्रथम जीव, उसके ऊपर ये नहीं लागू होता है, क्योंकि भाई उसके ऊपर कैसे ये लागू होगा, नहीं हो सकता। इन्होंने बताया ओपरिन ने, लाइफ एरोजेस ग्रेजुअली फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो तीनों का आपने थ्योरी समझा जाना, इसका करेक्ट आंसर भी आपने पुट कर लिया होगा, हुगो डी वेरीज। अब आइए थर्ड नंबर पे, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये थ्योरी किसके द्वारा बताई गई, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, कि हुगो डी वेरीज के द्वारा। अब समझिए इन तीनों के बारे में भी, देखिए हुगो डी वेरीज का तो आपने समझ लिया, तो इनको छोड़िए, अब आते हैं चार्ल्स डार्विन पे। भाई चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है, चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, जो जीवन आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, डेवलप्ड बाय द इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन, ठीक, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, 1809 टू 1882 ये इनका जीवन काल है, एंड अदर्स, और भी काफी लोगों ने साथ दिया। स्टेटिंग दैट क्या इन्होंने कहा कि ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अराइज एंड डेवलप थ्रू द
नेचुरल सेलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशन दैट इंक्रीज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कंप्लीट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब सीधा इनका यही है कि उन्होंने कहा कि जितनी भी स्पीसीज हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज इस धरती पे हैं वो धीरे धीरे आगे डेवलप किए, आगे बढ़े, उनका जीवन आगे बढ़ा, उनके में डेवलपमेंट हुआ थ्रू द नेचुरल सेलेक्शन। नेचुरल सेलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन मतलब नेचर ने सेलेक्ट किया उनको, नेचर ने सेलेक्ट किया उनको कि ठीक है भाई ये हैं तो इनके अंदर बदलाव होगा, क्योंकि जो आदमी नहीं बदलाव कर पाया तो वो ख़त्म, उसका काम ख़त्म हो गया। समय के हिसाब से जो नहीं बदला तो उसका कोई चर्चा ही नहीं, उसकी कोई बात नहीं, उसका जीवन भी ख़त्म। और समय के हिसाब से जिसने बदलाव किया अपने अंदर, ठीक है, जितने बदलाव किया उस माहौल के हिसाब से बदलाव किया ताकि वो अपने प्रजाति को आगे बढ़ा सके, रह सके, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब आते हैं लेमार की थ्योरी पे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन, जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फिजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में फिजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब फिजिकल चेंजेस का मतलब जैसे हाइट ऊपर नीचे, मतलब बड़ी छोटी, ठीक है, हाइट से रिलेटेड हो गया, साइज से रिलेटेड हो गया, मोटा पतला, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि भाई ये तो इवोल्यूशन का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब फिजिकल चेंजेस जो हो रही हैं ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल की बात कर लें, ठीक है, लाइफ टाइम जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके फिजिकल अपीरियंस में, सच एज जैसे ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और अपार्ट थ्रू इंक्रीज्ड यूज़, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका बढ़ जाना, किसी पार्ट का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छा सा डेवलप्ड हो जाता है। अब ऐसे ही जितना दिमाग का यूज़ करोगे वो उतना ही डेवलप होगा, समझ रहे हो, जितना ही तुम ब्रेन का यूज़ करोगे, अपना सोचने की शक्ति को बढ़ाओगे, समझने की शक्ति को बढ़ाओगे, वो उतना ही विकसित होगा, उतना ही वो बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा उतना ही फ़ायदा होगा। ब्रेन की पावर जितनी होगी तुम्हारे अंदर भी तो पावर इंक्रीज होगी, तो इन्होंने यही बताया, ठीक है। कुड बी ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, और कह रहा है कि ये पावर जो है वो उनके बच्चों में भी चली जाती है, जो पावर, जो पावर जनरेट हो गई है या जो ऑर्गन इंक्रीज हो गया है या जो पार्ट इंक्रीज हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनहेरिटेंस यानी कि बच्चों में भी चली जाती हैं। तो ये था आपका लेमार का थ्योरी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क, क्योंकि यही तो बता रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चों में चला जाएगा, जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने अपने अंदर रखी हैं ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस हो गई, मतलब हमारे बच्चों में चली जाएंगी। बात समझ में आ रहा है, ये कहने का मतलब है इनका, ठीक। अब जैसे यहाँ फिगर देख रहे हो ना, तुम्हारा जिराफ का फिगर देख रहे हो, तो इनके पार्ट का यानी जो इनका जो गर्दन है ना ये इसी के तहत आता है, क्योंकि इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो ये हाइट में इंक्रीज हो गया, क्योंकि भाई इनको खाना रहता था, अब पेड़ ऊँचे ऊँचे हो गए तो कैसे खाएं, तो इसलिए इनका इतना ज़्यादा यूज़ किया, इतना ज़्यादा यूज़ किया कि इनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर लेमार्क इनका। फोर्थ नंबर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द बिलीफ दैट द बर्ड्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, इनमें से किसको देख के ऐसा लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से ही आए हैं, स्नेक्स को देख के, डायनासोर्स को देख के, कि आर्कियोपैट्रिक्स को देख के, तो आप यहाँ जो फिगर देख रहे ना यही है आर्कियोपैट्रिक्स, तो आप तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से ही आई हैं, फ्रॉम रेप्टाइल्स। आर्कियोपैडी का देख रहे हो, इसका मुंह देखो आगे एकदम निकला हुआ है नोक जैसा, ठीक है, रेप्टाइल जैसा, जैसे क्रोकोडाइल का होता है, ठीक, तो रेप्टाइल जैसा निकला हुआ है, ये किस में हो जाएगा, आर्कियोपैट्रिक्स में, करेक्ट। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सर्वाइव्ड
द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डार्विन। अच्छा, कौन सर्वाइव कर गया? जिराफ, डायनासोर, हॉर्स, कौन सर्वाइव कर गया? देखिए, डायनासोर तो ख़त्म हो गए, हॉर्स अभी भी हैं, जिराफ अभी भी हैं, लेकिन जिराफ बहुत पुराने हैं, बहुत समय से, तो सर्वाइव किसने किया? जिराफ ने। ठीक है, जिराफ ने सर्वाइव किया। सिक्स नंबर आते हैं, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब जीने के लिए, जीवन जीने के लिए या जीवित रहने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, मतलब सभी चीज़ों से लड़ना होगा। अगर आप लड़ सकते हैं तभी आप जीत सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं लड़ा तो आपका जीवन खत्म, क्योंकि कमज़ोर का शिकार कर लिया जाता है और जो ताकतवर है वही जीवित रहता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विन ने कहा है, चार्ल्स डार्विन ने। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है आपका, टेक द करेक्ट आंसर व्हाट। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को बताना है कि सही है या फिर गलत। तो चलिए देखिए, फर्स्ट, एज पर डार्विन मैनी इंडिविजुअल्स फाइट अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर सर्वाइवल एंड ओनली दोज हु आर फिट टू विन कंपटीशन सर्वाइव। सही बात है भाई, जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा, तो सही बात है, करेक्ट है। सेकंड देखो, नो इंडिविजुअल्स लूज इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि कोई नहीं मरता है जब जीवन जीने की संघर्ष में, जीवन जीने को, जीवन को आगे बढ़ाने के संघर्ष में कोई नहीं मरता है, कोई नहीं मरता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, जो कमज़ोर है तो उसको तो मरना ही मरना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा भाई। थर्ड देखो, म्यूटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अननोन कैरेक्टर्स अपीयर इन इंडिविजुअल्स ऑल ऑफ अ सडन। म्यूटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, कुछ कैरेक्टर्स अचानक से आ जाते हैं। फोर्थ, सही बात है भाई, अचानक से आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जिनके पास हड्डी नहीं होती, ठीक है, तो वो डेवलप्ड हुए हैं किससे? हड्डी वाले जानवरों से। ऐसा कुछ है क्या कि बिना हड्डी वाले जानवर जो वो हड्डी वालों से बने हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हड्डी है तो आगे डेवलपमेंट में भी हड्डी रहेगी, वो जाएगी नहीं, ख़त्म थोड़ी ना होगी। ठीक है, चलिए, जैसे सांप को देख लो, ठीक है, तो उनके पास भी होती है, भले ही वो रेंग रहे हैं तो कैसे। पांचवा देखो, एज पर द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म केम इन टू बींग फर्स्ट एंड लार्ज कॉम्प्लेक्स वन लेटर। कह रहे कि जीवन की शुरुआत में पहले छोटे ऑर्गेनिज्म आए, एकदम छोटे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मिलके बड़े हुए, फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, और फिर उसके बाद बड़े बड़े जानवर सब आए। तो भाई सही बात है, सबसे पहले तो पानी में छोटा सा बैक्टीरिया, उसके बाद धीरे 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 वो बैक्टीरिया मिल मिल के थोड़ा बड़ा बैक्टीरिया बना, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक कोई जल का, क्या बोलते हैं, जल का प्राणी बना, फिर धीरे धीरे वहाँ से एवोल्यूशन होता गया, और बड़े और बड़े, और फिर उसके बाद एक बड़े पूरे भयंकर जानवर में बदल गया। तो सही बात है भाई, यही है। सिक्स नंबर पे आइए, एज पर लेमार्क, लेमार्क के अकॉर्डिंग जिन्होंने बताया कि जो है ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसका भी काम कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो एज पर लेमार्क, लेमार्क की बात कर लें, द डिस्कस ऑफ बॉडी पार्ट, द डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स मेक दैम डिसअपियर इन द लॉन्ग रन। कह रहे अगर अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट का यूज ना करें तो वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हो जाए, खत्म हो जाता है, धीरे धीरे समय के अनुसार खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अब जैसे इंसानों की बात कर लें हम, तो हम लोग तो भाई बंदर से हैं, तो बंदरों की पूछ होती है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने इसका उपयोग करना छोड़ दिया, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, हम कहाँ यूज़ करेंगे, पेड़ों पर लटकने के लिए? नहीं ना, हमने यूज़ नहीं किया तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका चैप्टर नंबर 9, काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें समझनी थी आपको एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। अच्छा, इन्फो जोन में आ जाइए, देखिए क्या है, एज पर लेमार्क मैन हैज़ नो टेल बिकॉज, अच्छा वही जो मैंने बताया कि इंसान के पास देखिए पूंछ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने उसका यूज़ नहीं किया।
और आगे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वो ख़त्म होती गई, एकदम पूरी तरीके सब समाप्त हो गई है। तो सही बात है भाई, यही इन्फोजोन में भी बताया इन्होंने। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 9, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, आगे बहुत काम देगा ये चीज़, ठीक है। तो खैर अपना वो कंप्लीट करिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक कंप्लीट करिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके। लेमार के अकॉर्डिंग जान रहे हैं ना, जितना ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, डेवलप्ड होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।